कि सरकार कैप्टन दी है, बड़कां सिद्धू दियां ने, पर चलदी बादलां दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब लई असीं बैठे हाँ, सिद्धू साहब नहीं बैठे। मैनू उहदे को जाण दी जरूरत नहीं है। साढ़े अगे भी पुलिस है ते पिछे भी पुलिस है, भज ना जाण। ते नवी उसारन दे चक्कर च बहुत कुछ तहस नहस कर देना, लुका के रखना, चोरां दी तरह काम करने, उतरा कोई गुरद्वारा बनाउणा होवे ना को 12-12 साल नहीं बनदा। कि जे इन्हां नरैणू महंता ने ही सोचिया भी 100 साल बाद असी इतिहास दोहराउणा आ, कि सानू कौन हुंदा पुछण वाला, असी तां मारांगे, वड्डांगे, कुट्टांगे। पर वो अपनी जिद ते इन्ने क बजिद ने कि ना तो असी कोई तुहाडी गल सुननी है ते ना असी किसी की परवाह करते हैं। जदों इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रह गया कि एक भूरी वाले दे चेलियां नूं नहीं रोक सकते, तो फिर इन्हां नूं अमृतसर भूरी वाले दे चेलियां नूं दे देना चाहिए। नहीं हटणगे तो फिर साडा अगला प्रोग्राम जिहड़ा वा वह फिर इन्हां तों सांभिया नहीं जाना। कैमरे तोड़े गए, चपेड़ा मारियां गई, कुछ पिछले समय दौरान बंदे भी गड्डी चढ़ दिते गए, कोई बादलों गाला कढ़े, बादल कैप्टनकियां नूं कढ़न, कैप्टन के आप वालियां नूं कढ़न, आप वाले बीजेपी नूं कढ़न, असी की लैना। 328 पावन सरूपां नूं लैके गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते जिथे भाई बलदेव सिंह वडाला वल्लों लगातार ही सवाल चुके जा रहे हैं, उत्थे ही पिछले दिनी श्री दरबार साहब नज़दीक निकलियां पुरानियां इमारतां नूं लैके भाई बलदेव सिंह वडाला वल्लों गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते एक बार फिर सवाल चुके गए हैं कि उन्हां पुरानियां इमारतां नूं रख्या जाए, वह गुरु घर के नाल संबंधित ने। तो बीते कल भाई बलदेव सिंह वडाला वल्लों उन्हां इमारतां नूं रोकण वास्ते एक जथा जिहड़ा अपने धरने तो श्री दरबार साहब वालों श्री अकाल तख्त साहब के कोल वह पुरानी इमारतां ने उसनों रवाना किया। तो पंजाब पुलिस जिथे SGPC वालों उन्हें रोकया गया, तस्वीर तुम वेख सकते हो कि भाई बलदेव सिंह वडाला जो रस्ता श्री दरबार साहब न बाज़ार के जाता है उसके उस जगह पर जा रहे थे जिथे पुरानी इमारतां निकलिया हुई ने। लगातार ही सवाल चुके जा रहे थे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि जो भी पुरानी इमारतां वा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने संभालिया नहीं जा रहा। तो भाई बलदेव सिंह वडाला वालों गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को काफ़ी बार रोकने की भी कोशिश की गई, तो कल काफ़ी जिहड़ा सी पंजाब पुलिस ने भाई बलदेव सिंह वडाला होना रोकने की कोशिश की गई। तो उत्थे ही कुछ सिंह जिहड़े उत्थे पहुंचे सन, तो SGPC टास्क फोर्स वालों उन्होंने नाल कुटमार की गई, मीडिया के नाल भी बस रुकी गई। तो हुण SGPC वालों जिहड़ा वा पुलिस जिहड़ी उह तैनात की हुई है, तुसीं वेख सकते हो कि वड्डी गिनती दे विच ते पुलिस तैनात की हुई है। भाई बलदेव सिंह वडाला साडे नाल ने। वडाला साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी कल तुसीं जा रहे सी उत्थे जिथे पुरानियां इमारतां ने, तां की कीता गया पुलिस वालों जां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वाली? पुलिस वालों ये किया गया कि रोकना तो गैर कानूनी काम सी, तो रोके हुए वो लोग ने जिहड़े गैर कानूनी कामों के खिलाफ ने, तो कानून की गल करन वाले आ। साढ़े अगे भी पुलिस है तो पिछे भी पुलिस आ, भज ना जाण। सारी रात असी इसे गली च कट्टी आ, जबकि ये पुलिस अफसर लई कोई वड्डी सिरदर्दी नहीं आ, 2 मिनट का काम आ। तो इनू एडा लम्मा लमकाया गया, उदू पहला 15 दिन असी इन्हां दे गेड़े भी मारे आ, मीटिंगां भी कीतियां कि पुरातन विरासत निकली जिहड़ी उहनू खत्म करना, नवीं उसारनी, ते नवीं उसारन दे चक्कर च बहुत कुछ तहस नहस कर देना, लुका के रखना, चोरां दी तरह काम करने, उतरा कोई गुरद्वारा बनाउणा होवे ना को 12-12 साल नहीं बनदे, पर जाके देखो काम किवें चल रहा। फिर वार वार लैटर भी दित्तियां गईयां, नहीं सुनवाई हुई। अखीरी 1 अगस्त नूं समागम करके संगतां दे भारी इकट्ठ विच 4 अगस्त नूं आप जाके रोकण दा ऐलान किया गया सी, उह वी कोई अहीं बहुत वड्डी गिणती नहीं, 11 सिंघां दा जथा लै के चले हाँ। कि जे इन्हां नरैणू महंता ने ही सोचिया भी 100 साल बाद असीं इतिहास दोहराउणा आ, कि सानू कौन हुंदा पुछण वाला, असी तां मारांगे, वड्डांगे, कुट्टांगे।
तो असी भी फिर 100 साल पुराना इतिहास दोहराने लिए जिथे असी शहीद भाई लक्ष्मण सिंह होना दे वारस बने हाँ उत्थे जथेदार तेजा सिंह पुचर होना दे भी असी वारस बने हाँ तो उन्होंने वारस उन्होंने पोतरे भाई रघुवीर सिंह भी साढ़े नाल यह पहला जथा जिहड़ा अज कल रवाना होया उस जथे दे 11 सिंह जिहड़े अरदास करके चले आ पछां तां असी मुड़ना नहीं तो साड़ी इको ही गल सीगी भी जिहड़ा काम उत्थे जंगी पद्धर ते चलाया जा रहा उन्हूं रोकिया जाए रोकण तों बाद वेख्या जाए कि उत्थे जो निकल आए उन्हूं किवें सेव रखिया जा सकता है वेखण तों बाद तुसीं अपनी इमारत जिहड़ी उसारो जिन्नी लेट होगी असीं तुहाडे नाल लग के लेट कर देंगे इह च किड्डी क गल सीगी पर वो अपनी जिद ते इन्ने क बजिद ने कि ना तो असी को तुहाडी गल सुननी है तो ना असी किसी की परवाह करते हैं तो मैं कल भी बेनती की कि पंजाब सरकार दे विच इत्थे कहा जा रहा कि सरकार कैप्टन दी है बड़कां सिद्धू दियां ने पर चलदी बादलां दी है ये वेखण च आया तो दूसरे पासे जे भूरी वाले दे चेले पुलिस नहीं रोक सकती ये नजायज़ उसारियां नहीं रोक सकती तो फिर पुलिस प्रशासन एवें लखां रुपये तनखा ते लखां दा तेल रोज दा बालना एडे एडे डंबर रजे जी फलाना साहब जी आ गए जी फलाने साहब जी आ गए जदों इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रह गया कि एक भूरी वाले दे चेलियां नूं नहीं रोक सकते तो फिर इन्हां नूं अमृतसर भूरी वाले दे चेलियां नूं दे देना चाहिए फिर तो डीसी साहब के भी हथ खड़े आते थले वालियां दे भी हथ खड़े आ इन्हां दे कोल ही कुछ नहीं जी है विरासती मार्ग का जो मामला से केंद्र सरकार के कोल पहुंचा केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब सरकार अपने हिसाब नाल वेखे कि किवें इहनूं रखना है जां नहीं रखना की तुहानूं लगदा पंजाब सरकार नूं इत्थे कोई वड्डा स्टैंड लेना चाहिए सी लेना चाहिए सीगा पर वो ले नहीं रहे कारण की लगता जी उ माड़ी इन्हों की बदनीयत आ कि कोई विरासत जिहदे विचों कोई सिख की याद आउंदी है जां सिखां नाल संबंधित है वह इन्हां ना गुरु के बाग छड्डणे ने ते ना गुरु कियां विरासतां इमारतां छड्डणियां ने यह सरकार सेवा ते कार सेवा मिल के चल रही है मार सेवा वो ये धड़ा धड़ कर रहे हैं तो जिन्हें जोगे हैगे असी डटांगे नहीं हटणगे तो फिर साडा अगला प्रोग्राम जिहड़ा वा वो फिर इन्हां तों सांभिया नहीं जाणा तो वो वड्डा खला पैदा हो गया उहदे विच कोई जानी माली नुकसान होया तो फिर जिम्मेवार सिख सद्भावना दल जां साडे नाल आउण वालियां सिख जथेबंदियां नहीं होणगियां उहदे लई फिर पुलिस प्रशासन इत्थे दे डीसी साहब ते पंजाब सरकार श्रोमणी कमेटी ते काबज बादल कोड़मा हो क्योंकि साडा कोई भी इस तरह का है नहीं भी असी किसी दे गल पैना है असी तां केवल गल कर रहे हैं कि तुसीं इह जिहड़ा काम जंगी पद्धर ते गैर कानूनी करदे उहनूं रोक लो 10 दिन साडे नाल बह के गल कर लो कि रखणा है उत्थे की करना है की बना रहे हो ग्राहियां कर रहे हो तुसीं मोटियां संगतां तो ते फिर संगत नूं दस भी दिओ उत्थे बनाया की है ते किवें दा बना रहे हो कल तुसीं जाण दी कोशिश की आ पर पुलिस वल्लों जाण नहीं दित्ता गया कि तुहाडे नाल तुहाडे कुछ सेवादारां दे नाल कोई बस लुक भी की गई आ एस जी पी सी टास्क फोर्स जां पंजाब पुलिस वल्लों साढ़े 2 सिंह चले गए सी जी भज के निकल गए सीगे भाई रघुवीर सिंह जी पुचर जथेदार तेजा सिंह जी दे पोतरे दूसरे भाई बलविंदर सिंह पड़ैण ये उत्थे निकल गए सी आ पहुँच गए सी दरबार साहब मत्था भी टेक आए उत्थे जाके जकारे भी छड़ के आए और इन्हां नूं वेखण गए कुछ सिंह मगर जिहड़े सीगे ओह जरूर साढ़े 2 सिंह उत्थे सीगे ते कुछ संगत इन्हां ते मीडिया वाले ओह भैण दा कैमरा भी खोलिया मोबाइल एक मीडिया वाले वीर दा कैमरा भी तोड़िया कुछ भाई हरपाल सिंह मखू ते उन्हां दे साथियां नूं धक्के भी मारे जलील भी किया भी तुसी पैसे लैने हो तुसी वकाऊ माल हो कई कुछ कहा उन्होंने खैर जो करते ने नरैणू कोड़मे ने उन्हां नाल कीता पर नाल दी नाल जिहड़े ये संगत दी उत्थे धक्का मुक्की होई आ वह माड़ी गल है बेशक शक साढ़े सिंघा दी आ साडी वर्दी तो पता लग जाता भी साढ़े नाल पर उत्थे आई संगत नूं गाली गलोच करना अप शब्द बोलने धक्के मारने राडा ना कुट देना ये माड़ी गल आ और इन्होंने कल वो कुछ बंदिया ना किया जो कि निंदणयोग है तो जो नरैणू करता सी उही ये कर रहे हैं
इस तो पहला भी जदों गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी से 328 पावन स्वरूपों के सवाल उठते हैं तो काफ़ी जथेबंधियां धरना लाउंदियां ने बाहर, तो उदों भी मीडिया के नाल बदसलूकी की जाती है, मोबाइल खोए जाते हैं, कैमरे तोड़े जाते हैं, कि मीडिया को अपनी गल रखण दा जां मीडिया को सच दिखाउण दा कोई हक नहीं हैगा? इन्हां मुताबक सच बोलना, सच सोचना, सच लिखना, तो सच नूं कदे सोच के विचार करनी, इन्हां मुताबक गुनाह है। शायद इसलिए अजूए पीए दे जिहड़े कानून बने ने इसलिए बनाए गए आ कि वह जिहड़ा बंदा सच की गल करता है, तुरन की गल करता है, पढ़न की बोलन की गल करता है, उन्हूं उहदी ब्रेक किवें लाई जानी है। सच इन्हां नूं बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इसलिए लोग जिहड़े ने वह दबाउण की कोशिश करते हैं, चाहे वह मीडिया वाले वीर होण ते चाहे साडे वर्गे दो शब्द किते तुहाडे सामने आ के बोलते होण, इत्थों तक कि गर्क जाते ने। इत्थे तां कैमरे तोड़े गए, चपेड़ा मारियां गई, कुछ पिछले समय दौरान बंदे भी गड्डी चढ़ दिते गए, और नरैणु कोड़मे ने भी अजिहा कीता सी, जिहड़ा सिख नरैणु दियां खबरां ये साडे सिख जथेदारां दे कोल लिया के दिंदा सी, उन्हूं जिउंदा इन्हां भट्ठी च सुट के सार दिता सी, तूं हुंदा कौन है साडी गल उत्थे दसण वाला। ये शुरू तो ही इन्हां दा महंतां दा नरैणुआं दी सोच दा चलदा आ, वो अज भी वो मुताबक वो चल रहा है। ठीक सर, तुहाडे वल्लों पिछले 20-25 दिनों तो इसे चीज़ नूं लैके जिहड़ी आ वो कीती जा रही है कि ये इमारतां रखियां जाण, पर फिर भी उत्थे काम चल रहा, लेंटर जिहड़ा कल फिर पा दिता गया। इहदे लई प्रशासन जिम्मेवार है जी, जिहड़ा पवारिया सरकार जिम्मेवार है। एक बन्ने ये कह रहे ने कि जगह पुड्डा दी है, असीं तां कह रहे गुरु रामदास जी दी है, ये कह रहे हैं जगह पुड्डा दी है, जगह सरकारी है, श्रोमणी कमेटी ते काबज नरैणु कोड़मा भी कह रहे हैं जगह सरकारी है जी, तो फिर ये सरकारी जगह ते तुसी किवें पुरानी उसारी नूं ढा के ते नवी उसारी करोड़ों की कर रहे हो? वो जिहड़ा करोड़ों रुपया उत्थे लग गया, कल नूं उत्थे सरकार आ के कहिंदी जगह साडी है, पुड्डा कह रहा खाली करो, तो वो जिहड़ा करोड़ों रुपया सिखां दा लग्गिया वो किस काम है? तो ये आने वाले दिनों च भी सवाल होणगे भी गुरु रामदास महाराज जी दी घर दी जगह सरकार को किवें गई, तो सरकार को पुड्डा तो किवें गई, तो अज पुड्डा तो भौ के फिर ये श्रोमणी कमेटी ते काबज नरैणु कोड़मा फिर किवें मंग कर रहे हैं, ये भी आने वाले दिनों च खुलासे होणगे। साहब तुसी नवजोत सिंह सिद्धू की गल की सी, तां तुसी पिछले दिन ही सारे ही मंत्रियों के घरों के बाहर कीर्तन किया, उन्होंने जागरूक किया 328 पावन स्वरूपों को लैके, बेशक होर मुद्दों को लैके, अजे तक तुसी नवजोत सिंह सिद्धू नूं किसी तरह का कोई मैसेज दिता, कोई मंग पत्र दिता इन्हां चीज़ों नूं लैके? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही अपने भाषण के सुखबीर बादल मजिठिया परिवार को जां बादल परिवार को जिहड़ा टारगेट करदे आए ने बेअदबी मामले नूं लैके। देखो जी, जिहड़ा बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 328 स्वरूप होण बेअदबी कांड वापरिया सारा कुछ होया, जां जिहड़ी भी पार्टी इत्थे आके गल करदी है, कोई बादलां नूं गालां कढे, बादल कैप्टन क्यां नूं कढ़न, कैप्टन के आप वालियां नूं कढ़न, आप वाले बीजेपी नूं कढ़न, असीं की लैणा? जदों ये गालां कढ के ही पंजाब दे बुते सार रहे आ, पंजाब दा पाणी, पंजाब दी धरती, पंजाब दी पौण, इत्थों दी जवानी है, बजुर्गी है, जमत है, सनत है, किसानी है, व्यापारी है, सेहत विभाग है, सिक्ख्या विभाग है, उहदे बारे तां कोई इत्थे कुसकदा नहीं जी, पर हर बंदा स्कीमां दे के ते इक दूजे नूं ओह माड़ा चंगा बोल के टाइम पास कर रहा। तो जिथों तक सिद्धू साहब का सवाल है, मैं कह चुका है इत्थे बड़कां सिद्धू दियां ने, राज पंजाब सरकार कैप्टन दी है, पर राज बादलों का आया, इन्हां दी चलदी चुलदी कोई नहीं। लगता है कि तुम जो नवजोत सिंह सिद्धू तक तुहाड़ी आवाज़ पहुँचेगी या तुसी मिलोगे, हो सकता है कोई नवजोत सिंह सिद्धू स्टैप लैण तुहाडे करके? श्री गुरु ग्रंथ साहिब लई असीं बैठे हाँ, सिद्धू साहब नहीं बैठे, मैनू उहदे को जाण दी जरूरत नहीं आ। जे वह गुरु साहब जी का अपने आप नूं सिख समझदा तो उन्हूं आप चल के आना चाहिए, ना कि सानू उहदे घर दे बूहे अगे जाना चाहिए। जिथे मंत्रियों का सवाल सी उत्थे असीं उन्हां नूं कोई मंग पत्र नहीं देण गए, बाहर बह के होका देण गए हां कि राज करन वालेओ इनसाफ करन दी आदत पाओ, ते शब्द भी उत्थे उल्टी वाड़ खेत को खाई, सच की बाणी नानक आखै ते कुत्ता राज बहालीए फिर चक्की चट्टे, ये कीर्तन असी हर मंत्री दे घरां दे बाहर जाके कर चुके, इन्ने क जत्थे तोर देंगे कि पुलिस नूं फड़ने औखे हो जाणगे। होर दसो किरदा नहीं है, रस्ते भी कितना कितने रुक जाएंगे, आम ही लोग इन्हां रस्तिया थाने लंघदे
फिर की होया जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु घर दीआं विरासतां गुरु रामदास सरां साडी पुरातनता उहदे बचा लई सानू कुछ भी करना पिया असी रस्ते नहीं रोक रहे असी तां उत्थे पहुँचना है रस्ते तां पुलिस रोक रही है आ हुण पुलिस ने अगों रोकिया असी तां रोकिया नहीं असी तां इन्हां दे रोके बैठे होए हैं और साइडां ते ही जगह छड्डी आउण जाण वालिआं नूं कोई तंगी नहीं होर भी जे किते सानू घेर दे असी राह नहीं रोकांगे राह पुलिस रोक रही है असी रस्ते नहीं रोक रहे तुसीं वेख सकदे हो कि पंजाब पुलिस दे वल्लों जिहड़ा रस्ता बंद किया होया तो भाई बलदेव सिंह वडाला कल तो ही कोशिश कर रहे हैं जाने की पर उन्होंने नहीं जान दिता गया। कैमरामैन रचदीप राज जगतार सिंह मला स्काई न्यूज पंजाब अमृतसर।